देखिए जिला मुजफ्फरनगर में जो शाहपुर है, ब्लॉक शाहपुर, वहाँ पे जो घरेलू स्तर पर सुअर पालन है उसका ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो है शाहपुर में। और संजय भाई, संजय सोदाई जी इसे चला रहे हैं। नॉर्मली देखिए कितने एग्रेसिव है, बट काटेगा नहीं। उनकी दुकान भी है, डेली स्तर डेली बेस की दुकान भी है। और ये जो बड़े जानवर आप देख रहे हो, ये जानवर है जो बड़े, ये जाएंगे दिमापुर नागालैंड। और जो छोटे जानवर है उस साइड में उधर, वो बिक्री के लिए है। वो आप इक्का दुक्का करके बेचते हो ना? हाँ, जो ये हरिजन लोग है बेचारे त्योहार करते हैं उन्हें देते हैं। अच्छा, उनके लिए है? हाँ। अच्छा अच्छा, तो वो भी मतलब कि वजन के हिसाब से बेचते हो या वैसे खड़े खड़े देते? उक्का ही बेचते। उक्का ही देते हो? एक 30 किलो का बच्चा कितने रुपए का दे देते हो? 7-8 हज़ार। 7-8 हज़ार रुपए का? जी हाँ, वैसे अगर फार्म से ले तब भी उतने का ही पड़ता है लगभग। सो खिलाते इनको मल ही रहे आप? अच्छा अच्छा, ये घर के ही है जी? लेके आए थे आपको इसे मेले से? लेके आए थे भोंगा। भोंगा के मेले से? जी हाँ, भोंगा और सिरसागंज का मेला लगता है जो सुअर का, वहाँ से अमूमन संजय भाई हर बार माल ले के आते हैं। और ये माल भी भोंगा का है। कितने दिन हो लिया जी से यहाँ पे? यहाँ पे 10-15 दिन हो लिया है। अच्छा, एक कैंटर आया था, 10-15 दिन हुए है। मल्ली खा रहे अच्छे से? अच्छा अच्छा। और जो आप मतलब फार्म वार्म से खरीद लेते हो कभी कभाग माल, तो उसे भी मल्ली खिलाते हो या उसे ड्राई फीड खिलाते हो? फिर फीड ही खुआ कि वो वहाँ फीड खाया हुआ है ना वो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सीधा उसको गाड़ी में भेज देते हैं डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट गाड़ी में भेज देते? आप रोकते नहीं उसे? उसे हाँ नहीं रोक, क्यों? कभी कभी रोकना पड़ जाता है तो वजन घट जाता है उसे? उसका वजन घटता है, फीड नहीं खाता वो। अच्छा है, मल्ली नहीं खाता? मल्ली नहीं खाता ना रस्ता। अच्छा अच्छा, तो देखिए गाड़ी में भेजते हैं जो नॉर्मली फार्म से खरीदते हैं। वैसे फार्म के जानवर है उसका रेट क्या है जी? उसका रेट हिसाब से है, कोई 160 देता है, एक कोई 150-170 ऐसे। 170 भी देते हैं? सब तरीके का माल है, 65 भी, कोई 60 देता है। अच्छा अच्छा, हम अपने उससे खरीदते हैं। सो देखिए भाई से हमने बात की और इन्होंने बताया कि जो अभी मल्ली खिला रहे हैं, जो फीड है यहाँ का मुजफ्फरनगर का या फिर पूरे वेस्टर्न यूपी का, सो वो मल्ली अभी इनको मिल रही है 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से। हाँ जी, वजन के हिसाब से 500 रुपये क्विंटल है ना? हाँ जी। आपने तो उक्की ले रखी पर? हाँ, मैं उक्की ले रखी। 1 लाख रुपये का एक कोल्लू? 1 लाख रुपये। जी हाँ, 3 कोल्लू ले रखे है भाई जी ने। और कितने जानवर है गुलाब आपके पास? अभी तो 40-45 गाड़ी गई है उसमें भेजे। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि ये 3 कोल्लू की मल्ली पूरा हो जाती है या बच जाती है मल्ली? थोड़ी बच जाती है, जब गाड़ी का माल रुक जा तो गाड़ी में वे खाते हैं। अच्छा, गाड़ी अच्छा, का उसी हिसाब से आपने रखा कि गाड़ी का माल इकट्ठा होता है जब तो खाते। अच्छा अच्छा, हाँ अगर गाड़ी के माल के लिए एडिशनल फीड खरीदना पड़े तो हर बार कॉस्ट जो है ज़्यादा आ जाएगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है मल्ली में, तो वो बढ़िया ही है। और ये सीजनल फीड जरूर है बट इकोनॉमिकल भी है और ग्रोथ भी बढ़िया होती है। ये देखिए, तो ये जो देसी जानवर है, घर के जानवर है ये, मतलब कि मल्ली ज़्यादा अच्छी खाते हैं ड्राई फीड? अगर ड्राई फीड कभी मल्ली खुला है आपने इनको कभी ड्राई फीड भी? नहीं, ये खाते नहीं। अच्छा, ये नहीं खाते? ये खाने के लिए, ये रत्ता और मल्ली खाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक, नमस्ते।